आज 17 जून को सुबह हो चुका है और हम निकल चुके हैं यहाँ से रवाना होने के लिए गुवाहाटी के लिए। अभी हैं हम तवांग के सिटी सेंटर में, ये रहा और रूम से चेकआउट अभी हम करके जा रहे हैं उस नॉर्थ ईस्ट के काउंटर पे जहाँ से हमने कल टिकट लिया था। ये सिटी सेंटर देखो एक बार, और इधर ये रहा काउंटर, ये सुमो रही सिटी, देखो उधर पहाड़ पीछे साइड में, इसी से हम जाएंगे शायद, देखते हैं। उधर रहे ये पहाड़, ये रहा काउंटर, यहाँ से हमने कल टिकट लिया था सुमो का, और ये रही सुमो। अभी 4:55 हो रहा है, सुबह के 5 से यहाँ से सुमो वगैरह निकलती है और बसें वगैरह यहाँ से 10-11 ही निकलती है। अभी भैया ने हमें कॉल किया था कि आ जाओ यहाँ पे, आज धूप निकल रही है। धूप आई है आज सुबह सुबह, देखो उधर पहाड़ कितने सुंदर लग रहे, ऊँचे ऊँचे उधर। रुके थे लंच करने के लिए, 100 प्लेट थाली खाना था, रोटी और सब्जी वगैरह खाया। यहाँ से लगभग 5-6 और रह जाता है हमें गुवाहाटी पहुँचने में। इधर लोग पहाड़ों में खेती कर रहे हैं फूलगोभी का अधिकतर, और भी कुछ कुछ खेती था जैसे कि केले का भी था बीच रास्ते में, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती करते हैं फूलगोभी का। उन पहाड़ों में भी कुछ कुछ खेती किया हुआ है, यहाँ से पता नहीं चल रहा, बहुत दूर है। आगे में इसीलिए गाड़ी यहाँ पे रुका हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का पीक सीजन होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, उस समय से आप आओगे इधर घूमने के लिए तो बर्फ़ वगैरह देखने को मिलेगी, बारिश उस समय नहीं होगी। लेकिन वहीं मार्च के बाद आप अगर इंटर करोगे अप्रैल मई जून में तो बारिश शुरू हो जाती है, और उस बारिश के मौसम में लोग अवॉइड करते हैं इधर आने के लिए, इसलिए आना अवॉइड करते हैं क्योंकि पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है इधर, इसी के कारण से आने के लिए भी लोग मना करते हैं। हमें भी जिस होटल में हम ठहरे थे वो मना कर रहे थे, पिछले साल भी कई सब लोग हमें मना कर रहे थे, लेकिन पिछला साल तो हम नहीं आए, इस बार पहुंच गए इस मंथ में। खैर हम तो सेफली अब यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी आप देख लेना कौन से मंथ में आ रहे हो। और देखो आगे कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, काम चल रहा है सफाई का, सड़क क्लियर किया जा रहा है। शाम के 6:30 अभी हम पहुंच गए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास, सुमो ने हमें यहाँ पे उतार दिया है। और अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे जा सकते हो अरुणाचल प्रदेश के तवांग को एक्सप्लोर करने के लिए। ये अभी मैं खड़ा हूँ गुवाहाटी के बस स्टैंड में, यहाँ पे कई सारे अलग अलग काउंटर्स बने हैं जहाँ से आप टिकट ले सकते हो अलग अलग जगह अलग अलग सिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। और तवांग घूमने के लिए आपको कोई भी एजेंट के पास नहीं जाना है, सबसे पहला यही ध्यान रखना है। जब आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचोगे तो ध्यान ये रखना है कि आपको बाहर निकलना है कौन बाज़ार है यार, पल्टन बाज़ार की ओर, और बाहर निकलते ही एजेंट लोग कई सारे मिलेंगे, एजेंट के पास नहीं जाना है, डायरेक्ट आना है इस बस स्टैंड में। बाहर निकलते ही राइट साइड में है, इस साइड में कुछ इस तरह से अभी दिखाता हूँ कैमरे को घुमा करके, देखो इस तरह का बाज़ार है यहाँ पे, ये है टैक्सी स्टैंड। काउंटर्स अलग अलग मिलेंगे यहाँ पे, उधर भी काउंटर्स है इधर भी काउंटर्स है, इन सारे काउंटर्स के सभी फिक्स रेट हैं, थोड़ा बहुत किसी में अंतर हो सकता है,
तो मैं रेट बता देता हूँ ना, तवांग अगर घूमना है आपको तो 1700 रुपये लेंगे ये सुबह में, 14 घंटे लगाएंगे आपको पहुँचाने में, और ये शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं। सुबह के 5-5:30 बजे खुलती है और शाम के 7 बजे पहुँचा देंगे। वहीं पर अगर आप बस से जाना चाहते हो तो 1300 रुपये लेंगे और पहुँचाएँगे, जैसे कि 10-11 बजे सुबह खोलते हैं और अगले दिन सुबह सुबह 6-7 बजे पहुँचाएँगे तवांग। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिससे जाना चाहते हो, जिससे बेनिफिट लगता है आपको उससे जा सकते हो। बस वाले थोड़ा अलग रूट से, लॉन्ग रूट से लेके जाते हैं, इसीलिए उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो ये प्रोसेस था तवांग पहुँचने का, आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, रह गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बस एसी वाली होती है और सुमो ये पर्सनल होते हैं। सीट का चॉइस आप खुद से कर सकते हो जब आप काउंटर में बुक करोगे उस टाइम पे। वैसे ये सिटी बसें हैं, तवांग जाने के लिए कुछ अलग टाइप की बसें होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, बाय बाय। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ भूटान। इस तरह के काउंटर्स है, हमने इस वाले काउंटर से टिकट बुकिंग की थी और आगे भी काउंटर्स है, सभी में रेट लगभग आपको सेम मिलेगा। रेलवे स्टेशन यहाँ से इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ये पल्टन बाज़ार की ओर है। मैं फिर से बता देता हूँ, पल्टन बाज़ार की ओर बाहर एग्जिट करना है रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी के। शाम के 7 बजे हूँ मैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, और इस ट्रेन में बोर्डिंग होकर के जाऊँगा अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन। आप चाहे तो हसीमारा भी जा सकते हो, हसीमारा और नज़दीक पड़ जाएगा भूटान बॉर्डर से। कहाँ से पढ़ के जा रहे हो? सोनाडोंग से। नाम क्या है? रामसुबा। अभी कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट टाइम, लेफ्ट टाइम ब्रो। उसको दबाना मत, ठीक है? हेलो, हेलो, वेलकम टू बैक टू माय न्यू चैनल। हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू चैनल। हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू चैनल। दिस इज भूटान ब्रो, दिस इज भूटान।